Hello, good morning students. Myself Karan Sharma and welcome to IIT Digital Class. This video session on class 11 and the topic is trigonometry. So many parts are uploaded in your school software applications and YouTube channel also. So you have to watch each and every video time to time and continuously, right? And you have to solve all the questions of trigonometry. I think this chapter will be over for today. This is the second last video session for this topic. After that, finally, tomorrow we will take final video session for this chapter, and after that, your chapter will be finished, and after that, we will start new book. Right? So, let me talk about the next question for about previous video. After the previous video, I have already seen question number 18. Right? Question number 18 तक आप लोगों के सॉल्व आउट हो चुके हैं क्वेश्चन, और मैंने वीडियो के जो सेशन था उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो. यू हैव टू वॉच केयरफुली, यू हैव टू नॉट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड विच प्रॉपर्टी एंड विच आइडेंटिटी आई एम यूजिंग विद अदर पेन, यू हैव टू नोट डाउन. So that is also important property of your questions and your exercise. जितने भी आप लोगों को clipboard पे मिलते हैं red and blue pen से जो आपको matter मिलता है वो आपका important matter होता है. जो identity में आप लोगों को box में close करके देता हूँ या फिर bracket भी आप लोगों को close मिलता है, that is very also important. हो सकता है बहुत बार वो पहले ही यूज हुआ हो लेकिन आप लोगों ने ये सारी आइडेंटिटीज राइट नहीं कर रखी है, तो सम ऑफ द आइडेंटिटीज ऐसी होगी जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही आ मिली. इन क्वेश्चंस में कुछ आइडेंटिटीज ऐसी आएगी जो आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, तो वो आइडेंटिटीज स्पेशल केस में रखिए, तो वो भी आप लोगों को आइएगा आपको राइट करना है. स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कीजिए, जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग उस मैटर को राइट कर सकते. इज इट क्लियर? नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 19. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 से दैट sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x right is equal to 10 4x. What is the method to solve this question? We have to solve this question left hand part से solve करें. left hand part से solve करें तो left hand part आपको write करना है sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x. Is it clear? We have to find the identity which will be used in these questions. इस क्वेश्चन में आपकी आइडेंटिटी जो यूज होगी वो आपकी ये वाली आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की. साइन ए प्लस साइन बी देन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू एंड कोस ए माइनस बी अपॉन राइट. ये आइडेंटिटी एक आपकी जो यूज होगी cos a plus cos b. cos a plus cos b के लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी उसमें क्या होगा 2 cos a plus b upon 2 and cos a minus b. Right? These are the two identities we'll use in this question. So, this is the important identities about this question. जैसे साइन एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स मतलब इनका जो सम आता ना ऑलमोस्ट क्या आता आपका इवन नंबर आता, जैसे 4x हो रहा है इनका या सम जस्ट समेशन देंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 0 इवन नंबर, तो इवन नंबर ही आना चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों को दिया गया कि साइन एक्स प्लस 4
So it's sine 2 x plus sine 3 x. अब आप लोगों को यहाँ sin a plus b का फॉर्मूला लगाना हो तो इसमें लगाओ, या तो आप लोग इसमें लगाना चाहोगे या फिर इनमें लगाना चाहोगे। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये आपको सब किससे बनता है, फोर एक्स टू। जैसे इसकी बात करें तो x प्लस टू एक्स कितना हुआ, थ्री एक्स। अब थ्री एक्स अपॉन टू होगा तो ये तो आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आप लोग इन दोनों को यूज कर सकते हैं कि साइन एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हुआ, फोर एक्स। तो इस चीज में आप टू लगाओगे तो फोर एक्स की वैल्यू। ये चीज ध्यान में रखना है, सम ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा केस आता है जब आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ता है तो a प्लस b का फॉर्मूला किन किन के साथ मिला, दैट टाइम यू हैव डिसाइड दैट व्हिच वैल्यू गिव्स अस इवन नंबर्स, राइट। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लगाई दो, 2 sin sin a, a क्या आपका x और b क्या 2x, x plus 2x upon, right? After that, cos a minus b, then x minus 2x upon 3x, 3x upon, upon 2 cos x plus 2x upon 2 and x plus 3x, sorry, 3x. ये वाली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी।
तो मैं आइडेंटिटीज आप लोगों को राइट करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों को काम का रहेगा। आइडेंटिटीज क्या रहेगी आप, एक आपकी आइडेंटिटी मैंने राइट करवाएगी पोस्ट टू वर्क्स की। पोस्ट टू वर्क्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, राइट। एक जो आपकी आपकी आइडेंटिटी थी पोस्ट वर्क्स के लिए साइन के रेफरेंस, और वो क्या थी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ये टू आइडेंटिटीज है। इससे आप लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। कैसे, मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो ये अगर प्लस में आएगा तो कॉस टू एक्स, और प्लस वन उसको इधर ट्रांसफर किया तो बच गया क्या आपका टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब इस मुझे तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो टू को भी इधर लाना पड़ेगा, तो कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, एक वैल्यू तो आप लोगों ने ये फाइंड, राइट। एक वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको इधर लेके इधर ले जाएंगे, इसको भाई इसको इधर लेके आओ, इसको प्लस का करना है ना मुझे, इसको इधर लेके आया तो कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इधर क्या बचा होगी एक बार, अब इसको उधर लेके चले जाइए क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन तो था इधर जाके कॉस टू एक्स, राइट। आफ्टर दैट टू की भी आपको वैल्यू की जरूरत नहीं, आपको साइन स्क्वायर चाहिए वाली, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूंगा। यू वांट टू नोट डाउन दिस प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस नोट करिए तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा, तो आपको उस बात में ये बेटर होना चाहिए कि कैसे मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू पाई, राइट। यस ऑल ऑफ इट है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई आपकी वो तो आई है वन माइनस cos 2x upon 2 and cos square x की जो वैल्यू आई आपकी वो है cos 2x plus 1 upon 2, is it clear? Now we have to rub this area to solve the question of question number 3. ये आपकी टू आइडेंटिटीज की वहां से मुझे साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं, आपका साइन एक्स माइनस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होनी है, आइडेंटिटी में यहाँ राइट कर देता हूँ, बाकी आप लोगों को पता है साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू एंड साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप लोग यूज करिए, यूज करने के बाद आप लोगों की जो भी वैल्यू जाएगी वो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर, आइडेंटिटी मैंने यूज की तो यहाँ से टू कोस ए प्लस बी, ये एल एच एस पार्ट चल रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ये इधर वाला सोल्व कर रहा हूँ, एल एच एस इक्वल्स एल एच एस पार्ट चला तो ए क्या है यहाँ पे एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू एंड साइन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले ली मैंने वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, राइट। इसमें आपका सिंबल माइनस का तो माइनस का, कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए कोस टू एक्स प्लस वन अपॉन, राइट। सॉल्व कर लीजिए इस चीज को, टू कोस एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स अपॉन टू एंड साइन माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस थ्री एक्स कौन सी होता है, यहाँ से क्या करेंगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने टू एलसीएम ले लिया इसका, तो यहाँ पे वन माइनस कोस टू एक्स और माइनस कोस टू एक्स प्लस वन एलसीएम हो गया आपका। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसी नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो टू टाइम कैंसिल हो गया, ये लीजिए कर दिया, यहाँ से आपका वन टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा टू कोस टू एक्स एंड साइन माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से आप लोगों ने जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो टू टू नीचे था आपका वन माइनस कोस टू एक्स, राइट। माइनस सिंबल के साथ होगा तो माइनस कोस टू एक्स बन जाएगा, और ये आपका माइनस का
माइनस वन और प्लस वन आपका हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होता है, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। ये माइनस डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर वाला ये एक बार रफ कर देता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ से, यहाँ से माइनस सिंबल मार दे दिया तो माइनस टू कॉस टू एक्स और साइन एक्स, ये तो माइनस तो इधर लेके आए थे स्टार्टिंग, अपॉन देखिए क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स, ये भी माइनस का कॉस टू एक्स, ये भी माइनस का कॉस टू एक्स, माइनस का कॉस टू एक्स, अपॉन में टू भी है तो टू से टू कैंसिल होगी, राइट। अभी आपके पास में क्या बचा है, माइनस टू कोस एक्स, कोस टू एक्स है, टू एक्स है ना, कोस टू एक्स माइनस कोस टू एक्स एंड साइन एक्स अपॉन, नीचे आपका बचा माइनस कोस, राइट। अभी आपका जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो माइनस से तो माइनस सिंबल कैंसिल आउट हो गया और कोस टू एक्स से कोस टू एक्स, राइट। बच गया क्या, ओनली साइन और टू साइन, टू साइन तो आप टू करना आर एच एस एंड एच, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी जरूर था, बड़ा था पर की पढ़ लेते, यू कैन नॉट इफ यू वांट अदरवाइज इफ यू मिस नोट द वीडियो एंड पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव ओनली 10 सेकंड टू नोट डाउन इट। इसके दो पार्ट थे, एक पहला वाला जो बोर्ड था वो मैंने रफ कर दिया, सेकंड वाला पढ़ लिया। Here you have done this exercise and this question also, I have to know. क्वेश्चन नंबर 21 इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स cos 3x। अब आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 हो गया क्या, आपका 21 वाला क्वेश्चन सोल्व करना। अब सोल्व करने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताया, मैंने ये कहा था कि जैसे आप लोगों को cos a plus b का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन सी टू आपका जो फंक्शन है उनमें आपको लगाना है, कौन से दो फंक्शन लोगे आप, क्या 4x plus 3x लो, तो 4x plus 3x 7x हो जो कि आपका ओड नंबर हो जाएगा, मैंने कहा था इवन नंबर आना चाहिए, क्या 3x 2x लो, 3 plus 2 आपका 5x होगा, वो भी आपका ओड नंबर होता है, तो 4x plus 2x लेंगे, राइट। तो मैं ले लेता हूँ LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और इसमें मैं cos 4x के साथ में प्लस इधर इसको आपको cos 2x को ले लेता हूँ और प्लस साइन सॉरी cos 3x को आप लोग यहाँ ले जाइए, इसको देखिए इसको सेम पैटर्न आप लोग यहाँ भी साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, इज इट क्लियर। अब जो आइडेंटिटी यूज होनी है वो देखो, आइडेंटिटी यहाँ क्या यूज होगी, ऊपर होनी है cos a प्लस cos b और नीचे होनी है आपकी साइन a प्लस साइन b, इसकी आइडेंटिटी तो क्या होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2,
और नीचे जो आइडेंटिटी यू जो कि वो ऑब्जेक्टिव टू साइन a plus b by 2 and cos a minus b by 2 ये आइडेंटिटी यू जो लगा दीजिए आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मैंने अलग अलग से रेफर किया अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या है इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो वो वाला एक्स्ट्रा पड़ेगा यहाँ पे इन दोनों में आइडेंटिटी लगाऊंगा ये वाला एक्स्ट्रा पड़ा है cos a plus b की आइडेंटिटी लगाया तो 2 cos a क्या है यहाँ पे 4x और b क्या है आपका 2x आपका 2x ध्यान रखना इसका cos 4x plus 2x upon 2 and again cos 4x minus 2x upon 2 बात करें नीचे की अच्छा ये तो इसकी आइडेंटिटी प्लस ये दोनों का तो ये वाला वैल्यू आया प्लस cos 3x साथ में आपको अपॉन 2 साइन 4x plus 2x upon 2 and cos 4x minus 2x upon 2 plus 4 sin 3x is it clear? Now, अगला स्टेप जो होगा आपका क्या होगा? यहां से 2 cos 4x plus 2x कितना हो? 6x upon 2 तो कितना आपके 3x राइट वही कोस के लिए 4x minus 2x 2x और नीचे 2 अगर दूसरे को कैंसिल तो ये क्या बनता cos x साथ में आपके cos 3x है तो प्लस का cos 3x राइट अपॉन फिर यहां भी चेक करें तो 2 आपका हो गया sin 3x एंड cos x और प्लस का आपका sin 3x प्लस का आपका sin 3x ये मैटर हुआ इसको समराइज किया एक बार इस चीज को ऊपर वाली और रफ करूंगा उसके बाद में नीचे सॉल्व करूंगा इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट यू कैन अदरवाइज आई हैव टू ऑफ दिस एरिया ऑफ अपर साइड दैट चेक यहां से देख क्या डायरेक्टली 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो क्या cos 3x से cos 3x सॉरी cos x से cos x कर सकते नहीं कर सकते बीच में आपके प्लस ये सारे मल्टीप्लाई में होते ना तो कैंसिल हो सकते ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना है यहां से देखिए इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है cos 3x क्या है cos 3x में भी तो मैंने यहां पे cos 3x कॉमन लिया ऊपर से और वैसे ही नीचे करूंगा मैं यहाँ sin 3x है यहाँ भी sin 3x है बीच में प्लस है तो मैं sin 3x को मार दूंगा राइट अब जो वेटर बच रहा है इनके अलावा यहाँ से cos 3x तो कॉमन गया था एक तो बच गया आपका 2 और एक बच गया आपका cos x ये तो कॉमन में गया तो ये आपका क्या बचा cos बीच में प्लस है तो प्लस लगा यहाँ cos 3x तो कॉमन में गया तो बचा कुछ नहीं बचा तो यहाँ प्लस राइट कर दिए सेम एज इट इज ऐसा ही होगा sin 3x कॉमन आ गया तो 2 बचा और cos x बचा तो 2 cos x प्लस है तो प्लस लगा दीजिए माइनस है माइनस यहां से sin 3x को कॉमन में गया तो बचा क्या अब देखिए ये दोनों एक तो ये पार्ट है ये पार्ट है ये पार्ट है ये पार्ट दोनों इनटू में इस पार्ट से पूरा ये पार्ट कैंसिल हो गया बचा क्या आपके पास में cos 3x अपॉन sin 3x अब एक आपकी आइडेंटिटी है cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा राइट तो cos अपॉन sin आपका क्या हो गया cot और थीटा क्या है यार 3x तो 3x इज इक्वल टू ये तो आपका राइट हैंड साइड था ये तो आपको प्रूव करना था कि आपका हो गया दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बिफोर दैट वी हैव टू नोट डाउन तब तक आप लोग इसको नोट करें Thank you.
देखिए लास्ट आज की वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट से क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 से 4x और 2x माइनस 4x और 3x माइनस 4x होता है. इस क्वेश्चन का स्पेशली आपको ध्यान रखना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा ना बहुत ही डिफरेंट टाइप से आपको सोल्व करना है. इसमें ना आपको LHS पार्ट होंगे ना RHS पार्ट. इसमें आपको डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. That's why in the way of solution, this question is very very important and you have to always mind. ये question जब भी ऐसा question आएगा आपको बहुत ही carefully इस question को करना पड़ता है. ये आपको mind में रखना पड़ेगा. इस question का कोई logic नहीं होता है. ऐसे question का trick होता है कि इस question को ऐसे solve करना. Right? यहाँ पे आपको identity में ये check करना है कि कौन सा आपको ratio दिया है. Fourth दिया है. Fourth का सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा आपका ratio? 4x है कि 2x है कि 3x है? 4x सबसे बड़ा है. ले लीजिए 4x. अच्छा 4x को मैं राइट कर सकता हूँ 4x plus 2x. आपको इस चीज को राइट कर सकते हो. तो मैंने कर दिया x plus 2. अब 4a plus b यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा? 4a plus b. और 4a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? 4a, 4b, 4b, 4b minus 1 upon 4a plus 4. Right? 10 वाला जो फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट हो जाता है. नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है. तो ये आपका फॉर्मूला था 4a, 4b minus 1 upon 4a plus 4b. Right? ये आइडेंटिटी आपको जानना है. ये सब मैं राइट करवा रही थी जो मैंने आपको. अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले इसमें वैल्यू आप करोगे a plus b क्या है यहाँ cot 3x is equal to ये वाली आइडेंटिटी लगा दी cot a plus b वाली. क्या आई? cot a क्या है x और cot b क्या है 2x minus 1 upon cot a cot x plus cot. I don't think इस चीज में कोई दिक्कत आई आपको. सेम चीज इज जहाँ ए था वहां एक्स लिख दिया, जहाँ बी था वहां पे टू एक्स लिख दिया. माइनस वन माइनस वन था कोट ए की जगह कोट एक्स कोट बी लिख दिया. राइट? अब यहाँ आप लोग अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला इससे, क्योंकि वन है वन से. तो यही मल्टीप्लाई होने पे फिर से यही आ जाएगा. यही आ जाएगा. तो इस चीज को हम लिख देता हूँ कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस. ये तो वन से टू होगा. अब ये इससे होगा इक्वल क्या हुआ cot 3x. cot 3x किससे होगा? इससे cot x plus cot 2x. इज इट क्लियर? यहां पे राइट कर देना by cross multiplication. by cross multiplication. अब देखिए इस चीज को अपने को क्या करना है. ऊपर देखिए क्या चीज है. पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कोट थ्री एक्स को इससे कर दीजिए फिर इससे कर दीजिए. तो बचा आपका कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस वन इजिकल्स टू कोट एक्स तो था और कोट थ्री एक्स साथ में आगे मल्टीप्लाई कोट जितने आफ्टर देन कोट टू एक्स के साथ कोट एक्स फिर भी मल्टीप्लाई होगा बीच में प्लस है तो प्लस कोट टू एक्स एंड कोट. अब आपको ये वन तो प्लस का चाहिए उधर चाहिए तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ. तो ये प्लस का उधर जाए और इन दोनों को इधर ले गया हूँ. तो देखिए क्या हुआ कोट एक्स कोट टू एक्स तो ऑलरेडी था यहाँ पे. फिर मैं इधर लेके आया इस चीज को. इस चीज को लेके आएगा एक मिनट चेक करना भी फिर से यहाँ से कोट एक्स कोट थ्री एक्स राइट है. पहले इसको ट्रांसफर किया तो ये माइनस का हो गया. क्या कोट टू एक्स माइनस का होगा इधर आगे. फिर इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो ये भी माइनस का होगा कोट एक्स एंड कोट राइट. इधर का पोर्शन तो हो गया. अब ये वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा.
इनको आप प्रूव करना है, चेक कर लीजिए ऊपर ये आपका प्रूफ है। ये मत बोलो कि सर यहाँ पे कोट एक्स कोट थ्री एक्स है, यहाँ पे कोट थ्री एक्स पहले बात में तो ये मल्टीप्लाई में आप इसको इधर खींचे इसको Thank you very much for watching the video. Bye for now.